सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रेखा गौड़। जो यहाँ पे परिचय चाहिए लोगों को वो ये है कि आई एम अ वाइफ ऑफ रोहिताश्व गौड़, जो तिवारी जी हैं, आपके भाभी जी घर पर हैं के उनकी। लेकिन उसके अलावा मेरा एक परिचय खुद का है कि मैं साइंटिफिक असिस्टेंट रही टाटा मेमोरियल सेंटर में, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और मैंने 25 ईयर्स वहाँ पर सर्विस की। अब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है। अब मैं जो हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ बहुत सारे पीस ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन, इंटरनेशनल पीस फेडरेशन, वर्ल्ड पीस कमिटी, GSFN और सोर्ड ऑफ फ्रीडम के। इसके अलावा मैं ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, जो मेरे फादर इन-लॉ ने शुरू किया था, उसकी एडवाइज़र हूँ। और मैं इसके अलावा आर के इनिशिएटिव की को-फाउंडर हूँ। क्या कहना चाहेंगे अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे जब आप निकलते हैं, आजकल आप सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए हैं, दिखते ही हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम लोगों को मालूम है कि असली हाँ जी तिवारी की अगर बात करें, हाँ जैसे तिवारी को आप जानते हो, वैसे वो बिल्कुल घर पे वैसे नहीं है। और क्या, तो क्या कैसा लगता है आपको जब ये चीज़ आपको मिलता है कि आपसे बात करती है तिवारी जी की वाइफ है? हाँ नहीं, अच्छा लगता है। डेफिनेटली हर एक को अटेंशन चाहिए, हर एक को एक इम्पोर्टेंस चाहिए। लेकिन हमारा एक ये है, आप देखेंगे तो हम एक सेलिब्रिटी फैमिली होकर भी बहुत सिंपल से हैं, तो जो हमारी सिंप्लिसिटी है हम उसमें बड़े खुश हैं। और डेफिनेटली उनकी वाइफ है, और रियल वाइफ है, रियल घरवाली वाइफ है, अंगूरी है, ये सब मुझे मिलते हैं। और ये शायद पहला सीरियल होगा जहाँ पे जो सीरियल का किरदार है भाभी जी, उसके कारण मैं फेमस हो गई हूँ काफ़ी इंटरनेशनली देखा है। तो भाभी जी, असली भाभी जी ये हैं। एक्टिंग की बात करें, आप कितने रुचि रखते हैं एक्टिंग में? बहुत बहुत, मुझे एक्टिंग पसंद है और मैं मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, बड़ी फ़ैन हूँ। आप भी आने वाले प्रोजेक्ट में किसी में दिखाई देंगे? कौन से? हाँ सर, ऐसे नहीं होता पासवान जी, क्या? हाँ जी, आने वाले प्रोजेक्ट में नजर आएंगे किसी? मैं तिवारी जी के साथ अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आ जाऊंगी मैं, डेफिनेटली। यस, मैं उठ जाऊँ।